तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग में ही जो है वो म्यूट के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे नेट की स्पीड स्लो होने की वजूहत की बिना पर हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए। सो ये अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो लेक्चर। सो अब आपने जो है वो इस पेपर को देखना है और इसमें जो भी क्वेश्चन हो वो आपने करना है। तो स्टूडेंट, ये पेपर जो है इसको मैंने पेपर पे लिख लिया है आसानी के लिए, ताकि हमारी डिस्कशन आसान हो जाए। और ये पेपर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसके क्वेश्चन जो है वो हम आपको दे देंगे। सो डिस्क्रिप्शन आप में आप ये पेपर जो है वो देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि म्यूट पेपर 2020। म्यूट पास्ट पेपर स्टूडेंट्स है 2020, और ये किस डेट को हुआ है? ये हुआ है स्टूडेंट्स 5 और 7, 5 और 9 और 2020। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये सेकंड शिफ्ट में हुआ है, सेकंड शिफ्ट। अब स्टूडेंट्स ये पेपर जो है ये शिफ्ट में चल रहे हैं, और जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो एंट्रेंस टेस्ट के जो पेपर हैं, ये स्टूडेंट्स अगस्त से स्टार्ट हुए हैं। 21 अगस्त जो है ये जो है इस को पहला पेपर था। 21 अगस्त को जो है ये पहला पेपर हुआ। उसके बाद जो है वो ये पेपर कंटिन्यू हुए, बीच में गैप आ गया, अब दोबारा जो है ये कंटिन्यू है। सो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और स्पेशली वो आपके फ्रेंड्स जो जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो पेपर दे रहे हैं, म्यूट का पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली उनको जो है वो लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है, स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो म्यूट का पेपर है, म्यूट का जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसका जो पेपर आता है 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 25 मार्क्स का जो पोर्शन होता है ये फिजिक्स का होता है। फिजिक्स का जो पोर्शन है इसमें, फिजिक्स पोर्शन ये 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का इसका पोर्शन होता है। अब पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तमाम ही क्वेश्चन जो है वो याद नहीं रखे जाते। ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स से लिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये जो है जो अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर, उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली के तमाम ही क्वेश्चन जो है वो याद नहीं रखे जा सकते। कुछ क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर देने के बाद जो है वो स्टूडेंट याद रख लेते हैं। ये वो जो है वो क्वेश्चन है। इनमें से स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। 14 to 15 ये क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस करना है आज। पहला है हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर। स्टूडेंट्स पावर की डायमेंशन क्या होती है? वैसे तो ऑप्शन हमें गिवन होते हैं, 4 ऑप्शन हमें गिवन होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ हम आपको आंसर जो है उसके बताते जाएंगे, ताकि जो है वो आप इजीली जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें आंसर। हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहे। डायमेंशन ऑफ पावर का ये सवाल जो है वो 2022 के म्यूट के टेस्ट के पेपर में आया है, और डेट भी यहाँ पर
मैंने आपको मेंशन करा दी है, 5, 9 and 22 ये जो है वो डेट है। सो इसको जो है वो अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, जैसा कि पावर आपको पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ये भी हमारे पास पावर होता है। अब पहले डायमेंशन निकालने का तरीका ये होता है कि पहले हम उसका यूनिट निकाल लेते हैं, फिर उसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो इसका वैसे तो ऐसा यूनिट वॉट होता है, तो पहले हम बेस यूनिट में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उससे डायमेंशन निकालने में हमें आसानी हो जाती है। तो जोल हमारे पास वर्क का यूनिट हो जाता है, और टाइम का यूनिट हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट सेकेंड। और यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, तो जोल हमारे पास जो है वो न्यूटन और सेकेंड के बराबर होता है, सॉरी न्यूटन मीटर हमारे पास, ये जोल जो है वो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट बनता है, और यहाँ से हमारे पास सेकंड होता है। अगर आप न्यूटन को भी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आ गया। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे सेकंड है। अब डायमेंशन जो है वो निकालना बहुत आसान है, पहले आप इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट कर दें, फिर उसके बाद डायमेंशन निकालना। तो अब हम यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं इसकी, तो ये हो जाती है हमारे पास किलो ग्राम की, हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो होती है एम, क्योंकि मास का यूनिट है, और मीटर लेंथ है, तो ये इसकी डायमेंशन एल। टाइम की डायमेंशन हमारे पास टी, माइनस टू है यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर फिर लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसकी डायमेंशन एल, और हम डिवाइड कर देंगे इसको टी से। ये स्टूडेंट हमारे पास डायमेंशन हो गए। मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये माइनस वन, क्योंकि ये टी ऊपर जाता है तो इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हैं डायमेंशन को, ये हमारे पास डायमेंशन हो गई है पावर की। सो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारे पास एमसीक्यू है यूनिट ऑफ चार्ज का। सो अब हम दूसरे यूनिट की एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। सो सेकंड है हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट स्टूडेंट्स जो हमारे पास कूलम्स लॉ में जो चार्ज हमने पढ़ा है कि जो चार्जेस होते हैं सिमिलर हों या डिसिमिलर हों या लाइक चार्जेस हों या अनलाइक चार्जेस हों, दोनों के दरमियान फोर्सेस रहती है। सो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है, ये कूलम्स लॉ में जो है वो हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो क्यू होता है जो फोर्स, ये प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। ये जो हमारे पास चार्ज है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास चार्ज है, इसको क्यू से हम डिनोट करते हैं, और इस लॉ को दिया था चार्ल्स डी कूलम ने। सो इसके जो है वो ऑनर में जो चार्ज का यूनिट जो है वो पड़ा वो हमारे पास कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट पड़ा, और कूलम जो है वो इस चार्ज का जो यूनिट है वो चार्ल्स डी कूलम्स के ऑनर में जो है वो चार्ज का यूनिट रखा गया। सो ये जो है चार्ज का यूनिट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है सी, हमारे पास सी जो है वो सिंबल हो गया, और जो चार्ज है चार्ज क्यू, ठीक है, इसका हमारे पास जो यूनिट होगा वो कूलम होगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, वो है हमारे पास एमसीक्यू नंबर थ्री।
सो एमसीक्यू नंबर थ्री के ऊपर हम बढ़ जाते हैं। अब थ्री एमसीक्यू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट, ये एक यूनिट है। ये किसका यूनिट है? यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन कुछ भी दिए जा सकते हैं आपको, लेकिन यहां हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं ओनली। सो यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। वैसे तो हमारे पास जोल जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का, लेकिन जब हम बड़े यूनिट को डिस्कस करते हैं, जब हम एनर्जी लेवल जो है वो, या फिर एनर्जी जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम मैकेनिक्स में बड़े ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, इसी तरह से जब एनर्जी हम ज़्यादा अमाउंट में, या फिर जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट की एनर्जी को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर हम जो एनर्जी का यूनिट यूज़ करेंगे वो जूल होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एटम की, या एटॉमिक लेवल पे हम जो है वो पार्टिकल्स की मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे मोशन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की मोशन जो है उसको हम ट्रीट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हम जोल जो हमारा यूनिट है, ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, जब हम इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल की एनर्जी को डिस्कस करेंगे, या फिर इसकी एनर्जी की बात करते हैं, तो उसका यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी का यूनिट होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल की मोशन होगी या उसकी एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, उसका यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो ये हमारे पास क्वांटम यूनिट हो गया, या फिर हम जो है इसको एटॉमिक लेवल पे भी जो है वो क्वांटम लेवल पे एनर्जी का यूनिट कह सकते हैं। क्वांटम लेवल पे एनर्जी का यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एनर्जी। एनर्जी जब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे प्रोटॉन की हो या फिर न्यूट्रॉन की हो, ये भी हमारे पास जो है वो एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनकी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ हमारे पास है द लेंथ इज मेजर्ड इन, द लेंथ इज मेजर्ड इन। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है लेंथ को कैसे, किस में मेजर करते हैं। अब लेंथ इन मेजर्ड, लेंथ में, लेंथ तो बहुत सारे यूनिट में मेजर हो जाएगी। लेंथ सेंटीमीटर में भी मेजर होती है, मिलीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, मीटर में भी, बहुत सारे यूनिट है। सो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट भी नहीं दिया हुआ। सो लिहाजा अगर ऑप्शन में तमाम यूनिट मौजूद हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर, तो उसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का भी होगा, या फिर ऑल ऑफ अबव का होगा, कि यानी कि तमाम यूनिट में लेंथ को मेजर करेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज वाला, वो ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट होगा हमारे पास। सो एनर्जी को, क्योंकि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं हर यूनिट में, तो लिहाजा ये जो है वो मेजर हो सकती है। बट ऐसा यूनिट जो होगा स्टूडेंट्स, ये मीटर होता है, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि लेंथ इज मेजर्ड इन, या लेंथ कैन बी मेजर्ड इन, सो वो फिर तमाम यूनिट में मेजर हो सकती है लेंथ। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑल यूनिट, जितने भी यूनिट्स होंगे, सो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जितने भी यूनिट्स होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, सब में लेंथ मेजर हो सकती है, जिसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस भी आ जाते हैं। अब पांचवा एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास है, पांचवा है हमारे पास वेबर
इज इक्वल टू, वेबर इज इक्वल टू डैश। वेबर पहले तो आपको बता दूं, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी खास एरिए से पास होंगी, सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास वेबर होता है, और यहाँ पर वेबर पूछा गया है कि ये किसके इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, वेबर हमारे पास बराबर होता है, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें बन सकते हैं, लेकिन आंसर हम बता के आपको आगे चलते हैं। टेस्ला, मीटर स्क्वायर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, वेबर हमारे पास बराबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर के, क्योंकि जो हमारे पास फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास जो एरिया जिसमें से वेक्टर एरिया जिसमें से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसका हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर अगर हम वेबर का यूनिट निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमारे पास टेस्ला बन जाता है, जैसे कि हमने आंसर में लिखा है, और एरिया का यूनिट हमारे पास बन जाता है मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये फ्लक्स का हमारे पास सिंबल हो जाता है, तो इसका यूनिट हमारे पास टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखना है, तो टेस्ला किसके बराबर होता है, टेस्ला बराबर होता है हमारे पास न्यूटन पर पर मीटर और पर एम्पेयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है, बस टेस्ला जो होता है इसको अगर हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, फिर न्यूटन को भी हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन ये यहां पर इस तरह से भी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखा जा सकता है, ये हमारे पास इसका यूनिट हो गया। फर्दर टेस्ला का भी आगे सवाल में यूनिट पूछा गया है, सो इसलिए आप ये याद रखें। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो छठा सवाल है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम इसी से रिलेटेड एक और सवाल बना लेते हैं, जो वेबर है हमारे पास उससे रिलेटेड हम एक और सवाल बना सकते हैं, जैसे कि वेबर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज, वेबर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज। सो वेबर हमने आपको बताया, वेबर हमारे पास बराबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर के। टेस्ला को हम मजीद कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भी लिख सकते हैं टेस्ला हमारे पास बराबर होता है न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर इनटू मीटर स्क्वायर। अब इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के लिए हो जाता है, बाकी यहाँ पर मीटर है हमारे पास और यहाँ एम्पेयर है और ये मीटर स्क्वायर है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, मीटर से मीटर कट जाएगा, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं हम, पर सेकंड स्क्वायर और हमारे पास एम्पेयर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पर एम्पेयर। सो ये स्टूडेंट्स जो वेबर है ये इन टर्म ऑफ बेस यूनिट किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है और इसकी डायमेंशन भी आ सकती है। डायमेंशन बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायमेंशन बना सकते हैं, लेकिन एम्पेयर है इसकी डायमेंशन नहीं होगी। सो यहाँ पे अगर आप बना लें किलोग्राम की डायमेंशन एस टू और एम्पेयर की अगर हम आई मान लेते हैं, सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन भी हम इसकी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स के बाद जो हमारे पास सातवां सवाल
इसमें है, ये हमारे पास है डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब इसके ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं। ये सवाल जो है, पहले तो आपको बता दूं, दो तरह से बन सकता है। एक सवाल जो है ये इस तरह से बन सकता है कि डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री, और दूसरा डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट। अगर कंट्री के लिए आएगा हम लिखेंगे इंडिया। इंडिया इसका ऑप्शन दुरुस्त रहेगा, क्योंकि एंशियंट टाइम पीरियड में जो इंडिया का रीजन है, यहीं से जो है वो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसी जगह पे से जो है वो साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च की और उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर साइंटिस्ट के लिए आए, अगर यही सवाल जो है वो बाय साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट, ठीक है, तो साइंटिस्ट के लिए हमारे पास ये होगा अल खवारिज्मी। के जो अल खवारिज्मी जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो फ्रैक्शनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसी तरह से जो एरिथमेटिक अलजेब्रा है इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, इसी तरह से जो एलोगरिथम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैथ्स में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अल ख्वारिज्मी ने, और बहुत जो है वो बड़ा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है अल ख्वारिज्मी ने। सो लिहाजा अल ख्वारिज्मी ये साइंटिस्ट में आ जाएंगे, और अगर इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री होगा तो इंडिया आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। साइन 30 इज इक्वल टू डैश। अब साइन 30, हमें लगेगा कि ये सवाल फिजिक्स का नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन जो है वो फिजिक्स में भी ये सवाल टच करता है, क्योंकि हम फिजिक्स में वेक्टर्स में भी कॉस रेशियो को स्टडी करते हैं, cos 45, cos 90 और sin 90, इस तरह के रेशियो। लिहाजा इस तरह के सवाल भी फिजिक्स के पोर्शन में आ सकते हैं, तो आपको ये भी इसकी तैयारी करके जानी चाहिए अच्छी सी। तो साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। साइन 30 आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, 30 इज इक्वल टू 1/2। और इसको अगर हम और जो है वो प्रिसाइज करते हैं तो ये हमारे पास 0.5 हो जाता है, 1/2 0.5। अब ये cos 0.5 स्टूडेंट्स, एक हमारे पास cos का ऐसा कौन सा रेशियो होगा जो हमारे पास 0.5 बने। साइन को हम cos के एस्पेक्ट में भी देख रहे होते हैं कि अगर साइन ये है तो cos क्या होगा, और अगर cos ये है तो साइन क्या होगा। ये सम टाइम ऐसा होता है कि इनवर्स रेशियो इसमें आ जाते हैं। cos जो है हमारे पास cos 60 हमारे पास बराबर होगा 1/2 के, और ये 0.5 ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। cos 60 होगा तो वो हमारे पास 0.5 या 1/2, और sin 30 होगा तो वो हमारे पास 1/2 या फिर 0.5। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है नवा सवाल, और ये है टॉर्क डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन डैश। स्टूडेंट्स बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है कि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है। टॉर्क का फॉर्मूले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्क हमारे पास दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक हमारे पास मोमेंट आर्म होता है और दूसरा हमारे पास फोर्स होता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है दो क्वांटिटी का, मोमेंट आर्म और फोर्स का, तो फोर्स पे भी डिपेंड करता है, और मोमेंट आर्म ये डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जो है वो लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसका वन आर्म जो है
इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और मोमेंट आर्म जो है ये हमारे पास ये डिपेंड करता है टॉर्क पे, उसी तरह से फोर्स भी डिपेंड करती है टॉर्क के ऊपर। टॉर्क स्टूडेंट्स हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का। सो ये जो है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। मोमेंट आर्म अगर दिया हुआ है और फोर्स अगर दी हुई है और तीसरे ऑप्शन पे बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है तो वो आप क्लिक करेंगे, और इसी तरह से अगर दोनों एक ही ऑप्शन में दिए हैं तो वो आप क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो 10वां है सवाल, ये हमारे पास बराबर है क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ला इज इक्वल टू, वन टेस्ला इज इक्वल टू डैश। अब जैसे कि हमने इसको वेबर में डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम मजीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ला स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का हमारे पास यूनिट होता है टेस्ला। सो टेस्ला जो है ये बराबर होता है वन टेस्ला, ये बराबर होता है अगर हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट देखें और इसको हम जो फोर्स होती है उसकी टर्म में देखें, तो ये हमारे पास बराबर हो जाता है न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर इनटू मीटर स्क्वायर। ये इसका हमारे पास यूनिट बनता है, इसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखेंगे तो ये हमारे पास किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारे पास मीटर, और ये एम्पेयर और मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास इन टर्म ना भी कैंसिल करें तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट हमारे पास ये टेस्ला बराबर हो गया, इसके भी बराबर हो सकता है। दूसरा अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टर्म में देखें, सो जैसा कि हमें पता है कि वेबर बराबर होता है टेस्ला और मीटर स्क्वायर के, तो टेस्ला हमारे पास बराबर हो जाएगा वेबर, इसका सिंबल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टेस्ला बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर ऑप्शन ये आ रहा है तो ये दुरुस्त होगा, अगर ये आ रहा है तो ये दुरुस्त होगा। अगर दोनों आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि कंडीशन दोनों में सेम है, इस तरह की कंडीशन बन रही है। सो एक में ऑप्शन में ये भी दिया जा सकते हैं, एक में ये भी दिया जा सकता है, और तीसरे में आपसे बोथ ए एंड बी भी कहा जा सकता है। इसी तरह से किसी भी दो ऑप्शन में ये दिया जा सकता है, और आपको एक तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी या ए एंड सी का दिया जा सकता है, तो वो दुरुस्त होगा। अब स्टूडेंट्स इन विच प्रोसेस द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। 11वां हमारे पास है, कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कोई प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेस हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो चार प्रोसेस हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिनमें हमारे पास एक आइसोबैरिक होता है, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोथर्मल, चौथा हमारे पास एडियाबैटिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। तो वर्ड से हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, थर्म इज टेम्परेचर। सो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है यानी कि कांस्टेंट है। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसो थर्मल, आइसोथर्मल हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब 12th क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 12th क्वेश्चन हमारे पास है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल
द नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन बॉडी द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, ये भी सवाल अक्सर जो है वो एमसीक्यूज में आ जाता है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अगर हम सेल्सियस में देखें तो हमारे पास सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और 37 जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस टेम्परेचर में तो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ सवाल डिस्कस किए आज की क्लास में। स्टूडेंट्स, अभी तक जैसे कि आपने देखा ये जितने भी एमसीक्यूज थे बहुत सिंपल थे। सो म्यूट के अभी तक जो पेपर आ रहे हैं, पास्ट पेपर जो कंडक्ट हो रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आपने देखा है। आप थोड़ी सी तैयारी से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं और इवन के पोजीशन भी आप ले सकते हैं। आपका जो मार्किंग है ये टॉप के ऊपर भी आ सकती है थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी हार्ड वर्किंग से। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ी सी हिंट उसकी समझनी है। ये हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम एक और पास्ट पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें भी कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इसी तरह से इसमें कोई भी आपको सवाल करना हो, क्वेश्चन करना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और आपको जो है वो उस क्वेश्चन का ज़रूर जो है वो आंसर दिया जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।